जगह नहीं थी बट घुसना था उसे, जैसे वो घुस गई थी लाइफ वो लैला का सबसे निकल गया। घर वाले कहते रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ाई तो बहन की रोड़ी उन्होंने कराई ना 80-85। नवरा चूतिया बना रहा भोसड़े का, 26,000 रुपए का तेरी गांड फट गई। हाय गाइस वेलकम बैक, दिस इज आरुष बोला, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। साले तेरे तो स्कूटी नहीं उतर रही, उठल ये बता पहले वो क्या कर रखा तूने? क्या चुम्बी कहाँ दे रही है गाड़ी? जगह नहीं थी बट घुसना था उसे, जैसे वो घुस गई थी लाइफ में। देख ले वैभव क्या कह रहा है ये। तो भाई वेलकम बैक, आज जा रहे हैं जिम जल्दी क्योंकि जल्दी फ्री हो जाएंगे, शाम को आज घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। एक दोस्त आया हुआ है इसके साथ ही जा रहे हैं, तो चलो स्कूटी में बैठते हैं जिम चलते हैं। कौन आया हुआ है तू नहीं जानता, चल अबे बता यार। फ्रेंड है एक मेरी, लड़की है। हाँ रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना तेरी बहन की। पहले बोलता सेरा वेरा लगा के आता, शेरवानी पहन के आता। वो तेरी जिम शेरवानी पहन के जाएगा भोसड़ी के, वो लैला का सबसे निकल गया। भाई ये देखो भाई कितना गंदा आदमी है, बहन चोद। अबे नाले घर जाके, अब मन नहीं कर रहा। अबे नाले ऐसे थोड़ी ना जाएंगे जिम में, कोई बात नहीं यार कर यार। गाइस देखो इसकी मेरे मुझसे कितनी गांड फटती है, इसकी गांड ही गीली होगी। मत डरा कर यार इतना मेरे से, कोई बात नहीं आज वर्कआउट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और वीडियो आने वाली है, हम टेक्स को साथ साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो भाई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आज कर रहे हैं चेस्ट और बैक दोनों को सुपर सेट में लेंगे। काफ़ी टाइम से कर रहा नहीं था साथ में, इसलिए कर रहा हूँ चेस्ट और बैक को एक साथ। पुश और पुल का कॉम्बो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, तो तुम्हें वर्कआउट दिखाता हूँ। वर्कआउट तो हो गया बढ़िया आज, गुस्सा कैसा था? तो मतलब हमने काफ़ी आज ज़्यादा हैवी नहीं गए, फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी हमने सुपर सेट, वो सिर्फ हैवी गए थे। तो भाई वर्कआउट हो गया है और तुम कहोगे कि आज तुमने समझाया नहीं क्या वर्कआउट करा है, तो वो हम तुम्हें 2 मिनट में समझाते हैं गाड़ी में बैठ के। भाई ये देखो इसके टैटूज देखो, दिखाइयो, मेरा भी मन कर गया करवाने का। ये कौन है? ये तो उसमें एनुबिस, एनुबिस एनुबिस गरीब का टैटू दिखाइयो, एक इस गरीब का टैटू। ये टैटू के स्टोरी बताना क्या है, किस गरीब का टैटू दिखा एक बार। ये भाई चाइनीज मिथोलॉजी है ना, और इसका टैटू देखो एक बार, ये देखो ये टैटू देखो। अब अपना टैटू दिखा भाई एक बार। अरे ये चाचा लग रहा है 5 रुपए का मार्कर से बना दिया किसी ने। भाई मेरा मन कर गया टैटू बनवाने का, पहली बार कोई क्वालिटी का टैटू देखा मैंने। देखो इसके टैटू देख, अभी हमारे प्यारे बिल्ले ने यहाँ पे शेर के मुंह पे पंजा मारा था, काफी दुख हो रहा है। दिखाइए को हमारा। भाई मेरा भी मन कर गया टैटू बनवाने का, कल जा रहा हूँ उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, कंसल्टेशन, कल काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ। जो जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखा हुआ है इसके ऊपर ही भगवान जी की फोटो बनवानी है। जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि ये नहीं अभी लीक नहीं करूंगा, नहीं अभी नहीं टैटू दिखाऊंगा सीधा, कल जाता हूँ वहाँ पे बात करता हूँ तुम्हें दिखाता हूँ। बाकी जो वर्कआउट था आज हमने चेस्ट और बैक करा सुपर सेट, आज ज्यादा लोड नहीं डाला क्योंकि मेरी ना ऑलरेडी अपर बॉडी काफी सोर चल रही थी, आर्म्स वगैरह, तो काफी कम करा लो इंटेंसिटी, बस एक ये कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बॉडी पे प्रेशर पड़े थोड़ा वो मेंटेन हो जाए। हाँ जिम हुआ है भाई, जल्दी जाते हैं अब हम क्योंकि पॉपुलर हो गए ना जिम में, फिर हर बंदा कहता फोटो खींचने। स्कूटी की चाबी भी लेकर आया, गाड़ी की चाबी भी लेकर आया, घर की चाबी भी लेकर आया। बट गाइस ये मेरा गो टू वर्कआउट है, अगर मेरे को किसी पार्टी से पहले जाना हो ये पूरी अपर बॉडी पंप कर देता है, बिकॉज यू आर
यूजिंग अ चेस्ट एंड पुश एंड पुल। और जब चेस्ट करते हैं ट्राइसेप हो जाता है, बैक करते हैं तब 2 सेकंड रुका है ना, अपनी गाड़ियां पार्क कर लो यार, कर ले। तो अब तुम्हें मिलते हैं बाद में, अभी टैटू तुम्हें दिखाया, मेरा भी मन कर रहा है टैटू बनवाने का, बस यही दिक्कत आ रही है जिम छोड़ना पड़ेगा 4-5 दिन, और कोई दिक्कत नहीं। वर्थ इट है बिल्कुल भाई, तेरी टैटू की क्वालिटी एक नंबर है, बस ये दिक्कत मेरे को बढ़िया लगी, या तो तू गोरा इसलिए लग रहा ज्यादा। नहीं नहीं, गो चेक आउट फिरंगी टैटू स्टूडियोज ऑन इंस्टाग्राम एंड डू चेक हिज वर्क। ओके भाई, कल दोस्त की स्कूटी पंचर हुई थी, आज अपनी हो गई। डैम छोड़, ये मनूसा साड़ा। तो भाई पंचर तो नहीं है, बस थोड़ी सी हवा कम है, वो भरवाते हैं, उसके बाद कुछ खाने पीने जाएंगे और अपने एक नॉन में बढ़िया रेस्टोरेंट खुला पटेल नगर में, तो वो भैया कह रहे थे आ जाओ एक बार, वहाँ खाते पीते हैं, तुम्हें भी दिखाते हैं कौन सा है। तो भाई जो भैया का रेस्टोरेंट था, हमने कह दिया कि खाना वाना लगाओ, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, वहाँ चल के तुम्हें दिखाता हूँ और खा के तुम्हें रिव्यू देता हूँ, फिर अगर तुम यहाँ पटेल नगर के आसपास रहते हो या स्विगी जोमेटो चलाते हो, फ़ोन में होगा आपके, आप ऑर्डर कर सकते हो, पर पहले मैं खा के तुम्हें टेस्ट बताऊँगा, तुम्हारा देख के मन करे तभी ऑर्डर करना, ये नहीं कि मेरा भाई है तो मैं तुम्हें कहूँगा कि खा लो, क्योंकि स्वाद तो मैंने पहले भी खा रखा है, एक नंबर है, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। लैला कैसा था स्वाद? स्वाद तो बढ़िया था, एक नंबर था। तू बहुत झूठा आदमी, हमने तो आज तक खाया नहीं साले, कल तो दुकान खुली है, इसकी टेस्टिंग दिखा रहा था मैं भाई तुम्हें, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊँगा अभी। मन तो कर रहा मोमोस खा लो इधर से, नहीं मोमोस भी दे दिए ऑर्डर वहाँ है, वैसे तो मैं क्लीन खा रहा था, बट यार कभी दोस्ती आ रही है ना। बाकी भैया बड़े फ्रैंक यार, बहुत बढ़िया फ्रैंक। चलो अब खाते हैं। सुसू करने आए थे ही। हाँ भाई, क्या हाल चाल? कोचिंग चल रही है, खेले हम भी। आंटी जी ज्यादा आंटी इधर, हाँ बहुत पुराने हैं। स्कूल में, आपके स्कूल में ही पढ़ाई है? इसी स्कूल से पढ़ाई है? मम्मी इधर लेने आती थी, याद है इसकी? वरुण नाम है इसका, फ्री हो गए उसके बाद कितना बड़ा दिन लग रहा है, डोलो फिरो ऐश करो खाओ पियो, हमारा डे स्टार्ट हो रहा है अब, कल से यही है अपना टाइम। अब पहले क्या टेंशन होती थी, अभी ये नहीं करते जिम जाना है, अभी ये नहीं खाएंगे जिम जाना है, अब तो ऐश करेंगे, अब बैठ तो देख से एक वीडियो भी आएंगी, अब फुल टाइम मिलेगा, अब 5 बजे से पहले पहले जिम निपटाना हमने, हमारा मिशन यही है, ठीक है? डन। ओके तो भाई अपनी सी ये प्यारी सी दुकान है कलिंगा के बिल्कुल, जो नेक्स्ट चौक होगा बस वो आपको मेन रोड पे दिख जाएगा, जहाँ से हम अंडे खाते हैं, ये दिख गया होगा अंडे वाला, ये अंडे वाला है, और बाकी ये भैया ये हमारे स्वीट से बिल्कुल फ्रैंक होके बात करते हैं भाई, अगर भाइयों को आना हो तो यहाँ पर ही आना भाई, फिर मेन्यू की फोटो दिख जाएगी तुम्हें, अभी ऐसे तो क्या दिखाऊं, क्या क्या होता है भैया अपने पे दिखाना, यहाँ पे मेन कोर्स स्नैक्स सब कुछ होता है, वेज में नॉन वेज में सब कुछ ए टू जेड, वेज नॉन वेज मेन कोर्स स्नैक्स चाइनीज, और डाइट का भी मिलेगा चिकन, जो अपने जिम वाले हैं वालों के लिए स्पेशल है, यहाँ पे डाइट चिकन, उसमें ज़्यादातर हमारे जिम वाले भाई हैं वो चेस्ट का पीस रेफर करते हैं, चेस्ट फैट नहीं होता, फैट नहीं होता वो, चेस्ट तो ब्रेस्ट का पीस रखा हुआ, ब्रेस्ट रखते हैं, ब्रेस्ट खाते हैं वो, और वो ब्रेस्ट सॉफ्ट रहेगी ना, ब्रेस्ट सॉफ्ट रहेगी, बाकी जगह काफ़ी वो खाओगे ना ब्रेस्ट वो टाइट टाइट होती है, यहाँ पे सॉफ्ट है बिल्कुल, बाकी यहाँ पे खाते हुए नज़ारे भी तुम्हें दिख जाएंगे फुल नज़ारे। अब खाना अंदो, अब खाना अंदो, खाएंगे दिखाएंगे। तो भाई सीधा अंदर आ गया किचन के, रजत भैयागी भैया दिखाएंगे क्या क्या खिला रहे आज हमें, ये आपको पहले दिखाते हैं मेन कोर्स में रारा चिकन, भैया ने मेन कोर्स भी लगवा दिया, ये क्या है रारा चिकन, रारा चिकन ये हमारा कीमा चिकन होता है, स्पेशल होता है बहुत यहाँ का, तो एक बटर वटर डल रहा है फुल, बटर वगैरह अमूल, अमूल का बटर, हाँ जी, इसमें चिकन कीमा और बाकी 2-3 पीस है जो वो हमने कम अपने लिए लगवाया, वो खाएंगे मेन कोर्स में, बाकी स्नैक्स भी खाते हैं। ये सबसे पहले हमारा आया है डाइट चिकन, इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करा, वरना ऊपर ही गीला गीला होता है ना, एक ड्रॉप ऑयल नहीं है, ये रारा चिकन है, ये अपना रारा चिकन, और ये तंदूरी मोमोज। तो भाई साहब ये डाइट चिकन जिम वालों के लिए, ये जो भाई खाने पीने का शौकीन है वो खाओ, जिसको मोमोज खाने हैं मोमोज खाओ, ये संडे डाइट रहेगी ना अपनी, है संडे, ये मेरी सारी डाइट है भाई, कोई प्यार से खिला रहा होता है ना फिर डाइट वाइट नहीं करते, क्यों भैया जब प्यार से खिला रहे हैं तो खाओ, वो तो तुम डाइट वाले बंदे हो, जिम में वाले तो दिखा रहा हूँ कि वो भी पड़ा है। चल भाई टेस्ट रिव्यू दे, तो फर्स्ट सेकंड डाइट, मसाले वगैरह बिल्कुल नॉर्मल, मतलब वो नहीं है, या तो बिल्कुल फीका बना देते डाइट में, एवरेज है बढ़िया,
यार। चलो अब इसका दे रिव्यू। ये तो गंदे हैं। बाकी भाई भैया पे वेज भी है, वेज भी है, सब कुछ है भैया। वेज भी है ना भैया अपने पास? मोमोज भी है, तंदूरी मोमोज वेज में। इसमें ये देखो ना, इसमें सारा वेज की मोमोज में ये वैरायटी है। ये मोमोज में ये वैरायटी है। तंदूरी मोमोज कैसा लगा? एक नंबर, अंदर तक चिकन भर रखा है, वरना ऊपर मैदा मैदा होता है, अंदर हल्का सा चिकन होता है। बाकी ये वाला लच्छा आएगा तब ये देगा, बाकी मैं तो चिकन खाता नहीं। एक बार आप वैसे भी टेस्ट करके देखिए, विदाउट लच्छा भी इसका टेस्ट वैसे ही डिफरेंट है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ओए होए, सबसे बढ़िया ये है, सबसे बढ़िया, मजेदार, मक्खनी एकदम स्पेशल। चलो भाई तुम भी ट्राई कर देना आके। बाकी बोलना तो नहीं है ना, न्यूट्रल लाइट वगैरह अपना बिल्कुल पंजाबी वाला खाना मिलेगा पूरा तुम्हें। ये एमएस प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने है। बाकी तुम्हें एक बार भैया का नंबर नीचे और अपना क्या कहते हैं बोला एड्रेस डाल देंगे। तो जो मेरे नाम से खाने आएगा भैया उन्हें 10% ऑफ देंगे। बिल्कुल डन है, डन है जी, डन है। चलो जी, मेन्यू यहाँ पे दिख जाएगा, जोमेटो स्विगी दोनों पे आने भैया। दोनों पे घबराना मत, एक वाले भैया भी है, ये वाले भैया भी बैठते कहीं दो को कहीं दूसरी शॉप में आ गए। तो खाना पीना दबा के यहाँ पे आगे भैया की दुकान को सपोर्ट करना है। एक बार खा के देखना, उसके बाद तुम खुद खाते रहोगे। बाकी वेज का वैभव आएगा, वैभव के साथ दूंगा रिव्यू वेज का। मैं तो वेज खाता हूँ ना, वैभव अभी आता है, वैभव के साथ देता हूँ रिव्यू वेज का। ठीक है तो भाई अब करेंगे मेन कोर्स। ये ग्रेवी देख रहे हो, ग्रेवी में भी चिकन भर रखा है, वो नहीं है टमाटर प्याज, हो चिकन चिकन चिकन। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, ये है लच्छा पराठा, ये है नान। ये गार्लिक पराठा है, गार्लिक लगा हुआ है, और ये बटर नान। भाई इस पे गार्लिक लगा हुआ है, ये बटर नान है, टेस्ट करते हैं। ओए होए, अल्टीमेट दिया, मजा आ गया। अब ये नान के साथ, बहुत लोगों को वो लगता है ना बटर चिकन खाते हैं थोड़ी मीठा हो जाता है, वो हो जाता है, ये प्रॉपर स्वाद दे रहा है। इसमें पूरी जो है ना सब गुण संपन्न है हमारा ये वाला चिकन, और भी हमारे पास चिकन की बहुत वैरायटी है। अभी टाइम निकाल के आओ और पेट में जगह बना के आओ, आ जाना भाई पटेल नगर में। जो इधर 10,000 का बिल बैठाएगा उससे मैं मिलने आऊँगा। और भाई एक बात और सुन लो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तुम्हें लग रहा हो पैसे लेके बोल रहा हूँ भैया, एक बार बता दो। नहीं नहीं कोई पेड वाली बात नहीं है, ये तो हमने इनको कहा था कि आप कहीं और जाते हो टेस्ट करने, एक बार यहाँ जरूर आओ। ये तो यहीं पे थे भाई साहब, इनको मैंने बुलाया स्पेशल इनको भी खिलाने, इसलिए क्योंकि हम भाई जाते थे दूर, हम जाते थे रंजन नगर हो गया, कभी वहाँ जाते थे, ये अपने घर के पास, पहले हमें कोई पता नहीं था कि पटेल नगर में पास है, सही चीज़ है, तो मैं कहा बाहर दूर के जाने थे इनको भाई। तो अब तो हमें दिख गया, अब यहाँ पर पास है तो अब तो यहीं पर ही आएंगे हमेशा भाई। चलो भाई कैमरामैन के मुंह में पानी आ रहा है। नहीं भाई मैं वेजी खाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं वेजी खाऊंगा। इतने लेट हो गए हो, हम सब वेट कर रहे हैं। मेन भैया यही है, इन्होंने हमें बुलाया था और यही नहीं आए, तुम्हारे चक्कर में भूखा बैठा हूं, अभी तक नहीं खाया। अब मैं कमाऊंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा बता। ये भी तो कमाई है ना यार, मतलब पैसा हमसे ज्यादा बढ़ गया आपको है, सबका ध्यान भी तो रखना, पैसा हमसे ज्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और घर में भी तो फंक्शन था ना यार आज भाई। नीचे सन्नी भैया स्पैम कर दो, सन्नी भैया ओपी। बदमाश सन्नी भैया, बदमाश बदमाश आके लिखना है सबको, बदमाश सन्नी भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़े बदमाश यही है यहाँ पे। एक फोन में हमारे तो 40,000 सब्सक्राइबर है भैया, 80,000 बंदे ले आते हैं, सिर्फ प्यार है भाइयों का और कुछ प्यार है। अब हम खा पी चुके हैं, आपसे मिलना था, हम जा रहे हैं। हाँ कहाँ जा रहे हो? घर हो गया, खा पी लिया थोड़ा सा होता है। अरे खा लिया हमने क्या? अब अगली वीडियो भैया के घर में दिखाएंगे। बाद बता, जब तक खाएगा नहीं, जब तक खाएगा नहीं तब तक बॉडी कैसे बनेगी तेरी? और कितना जैसा आरू जैसा बनना नहीं बनना, तो अभी और कितना खाऊंगा डाइट चिकन, और नहीं खाएगा तो बॉडी हम बहुत मोमोज डाइट चिकन। भाई हमारे जो सन्नी भैया है ना, वैभव भी फेलेंगे आगे के मामले में। सेटिंग तो ना युवराज सिंह सचिन तेंदुलकर इन सबसे होगी थी, ठीक है। जब माल जीतते थे तो घर वालों से छुपाना पड़ता था 11वीं 12वीं के अंदर, ठीक है।
एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, घर वाले कह रहे हैं हमारा बच्चा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, उनका कमा लो 2007 का वर्ल्ड कप कर रहा है। और घर वाले कहते थे कॉपी आ गया, कॉपियों में पैसे छुपाने पड़ते थे, हर पन्ना पलटो 500 का नोट। ये तो वही वाला सीन हो गया, वो मटके में जब नंबर लगा था टट्टी करने जा रहा था, फुल पैसे गिरे नीचे। ओए आवाजें कहां से आ रही है? पैसे गिरेंगे नहीं, वो यार वो तो नोटों वाला काम आ गया था ना, जब तक तेरा सिक्को वाला काम रह गया यार। मेरा डिफेंस है ना, मेरा बोल मेरे पे यार, मैं भी बच्चा हूं यार। घर वाले कहते रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ाई तो बहन की रोड़ी उन्होंने कराई ना 80-85। तो भाई अब हम आ चुके हैं एशिया की सबसे बड़ी फोन मार्केट जिसका नाम है गफ्फार। चलो भाई, मैं सोच रहा था एयरपोर्ट्स ले लूँ, फ़ोन का एक काम था वो तो हो नहीं रहा, वो कह रहे हैं फिर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी, फ़ोन की वैल्यू ख़राब हो जाएगी, तो वो नहीं करा रहे। एयरपोर्ट्स के रेट पता कर रहा हूँ प्रो के, क्योंकि दूसरा वाला तो वरन पे पड़ी है, जब वो पहनना हो वो पहन लेंगे वरना प्रो ले लेंगे, बाकी देखते हैं। तो भाई एयरपोर्ट्स प्रो लेने थे, यहाँ से लेने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, गफ्फार नाम ना बदनाम है, यहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये खर्चने का मन नहीं कर रहा। शोरूम जाते हैं, वहाँ पता करते हैं कितने का है, अगर बजट में हुआ तो ले लेंगे, बजट में नहीं हुआ तो भी ले लेंगे, बैन की छूट टेंशन नहीं लेनी। एप्पल पे भी आ गए भाई, इनके पास है ही नहीं स्टॉक में, मैं तो ले रहा था, मना कर रहे ना, हमारा चूतिया बना रहा है भोसड़े का, 26 हज़ार रुपये का था, तेरी गांड बढ़ गई। भाई 26 हज़ार रुपये के नहीं लेने का मन कर रहा, तेरे ही चलाऊंगा अभी थोड़े टाइम, घर जाके दोबारा बेड साफ करता हूँ, मिल जाए तो ठीक है। मेरी अब हम तुम्हें वैभव की दुकान दिखाते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी दुकान करोलबाग की। ओके भाइयों, तो अब मैं आ चुका हूँ घर और थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, क्या पागल भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे एक दो जो पुरानी आप देख चुके हो, उसके बाद आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो अगर आपको अपनी फीड पे ऊपर ही ऊपर चाहिए तो उसके लिए मेरा चैनल वायरल करवाना पड़ेगा, मेरा चैनल वायरल करवाने के लिए आपको नीचे 10-15 कमेंट अपने सब ग्रुप में भेज के मेरे को इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजो कि हाँ भाई करा है, अगर करा है तो ठीक है, नहीं करा तो भी कोई नहीं, भाई माता रानी देख रही है पाप चढ़ेगा। और अभी हम चिल करेंगे, क्यों ब्रूज़ो, तेरी साले लाल टपका रहा हमारे बेड पे गंदा कुत्ता, तो वो सब करो, उसके बाद हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सलामत रहना, बाकी हैप्पी रक्षाबंधन भी हो गया है, तुम तो वीडियो बाद में देख रहे होगे, तो कोई नहीं, वैलेंटाइन डे पे मिलेंगे। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना।